For last three games, we have seen कि जो भी चेस किए, पहला गेम हमने देखा 228 चेस हो, सेकेंड मैच में 174 चेस नहीं हो पाया, इसमें भी हमने देखा कि लो रन है लेकिन वो भी चेस नहीं हो पाया. सो ड्यू फैक्टर क्या काम नहीं कर रहा है, बिकॉज आप लोग जब रन बना रहे हो ऐसा ऐसा क्या हो क्या है? देखिए ड्यू फैक्टर है लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग बेटर हुई है. अगर आप देखेंगे तो जो पेस अटैक हमारी थी आज, जिस तरीके से हमने बॉलिंग की, प्लान के हिसाब से हमने काम किया, रेगुलर इंटरवल में विकेट चटका है. वही अगर कल आप देखेंगे जो मैच की बात कर रहे हैं आप, कम स्कोर था लेकिन वहाँ पे बॉलिंग भी अच्छी हुई, वहाँ पे इक्वल इंटरवल में विकेट्स लिए जा रहे थे. जब आप विकेट चटकाते हैं ना तो फिर आने वाले बैट्समैन पर बहुत प्रेशर आ जाता है. तो आई थिंक वो रेगुलरली जब आप करते रहते हैं तो फिर वो 150 आपको सडनली 170 180 लगने लगता है. तो शायद गेंदबाजी बेहतर हुई है. टीम ने नियमित अंतराल पर कुछ अच्छी साझेदारियाँ हुई और 156 टोटल था. तो जब पारी खत्म हुई कितने कॉन्फिडेंट थे आप लोग कि ये हम लोग बचाव कर लेंगे आसानी से स्कोर को, क्या बातचीत हुई पारी के नहीं? देखिए कॉन्फिडेंस तो लेके जाना पड़ता है ग्राउंड में, जब आपको पता है कि आपने रन बना लिया है, अब सामने वाली टीम को वो रन बनाने हैं. और सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि आप अपने अच्छे एरियाज को हिट कीजिए. क्योंकि अगर देखेंगे आप, जब स्टंप टू स्टंप आप बॉलिंग कर रहे थे या वो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ हिट कर रहे थे, तो वहाँ से बॉल चढ़ भी रही थी और कुछ बॉल नीचे भी रह रही थी. तो हमने वही सोचा कि प्लान सिंपल रखो, जितना हो सके बैट्समैन को प्रेशर में डालो कि स्टंप वाली गेंद को वो खेले. तो वो प्लान के हिसाब से हम गए और वहाँ हमें सक्सेस मिला. तो देखिए जब आप अंदर जाते हैं ना तो आप हमेशा सोच के यही जाते हैं कि जो भी हमारा स्कोर है हमें डिफेंड करना है. आप ये सोच के नहीं जाते हैं कि क्या होगा. तो आई थिंक क्लैरिटी जो इंटरवल में जो हमारा हुआ ब्रेक में, तो ये डिस्कशन हुआ था कि जितने भी रन हमने बनाए हैं सामने वाले को उतने रन बनाने पड़ेंगे, तो उतना मुश्किल करना पड़ेगा. और जितना भी आप विकेट लेंगे ना तो वो रन उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा लगेगा उन्हें. सर आप लोग एक्टिव क्रिकेट से हैं तो मतलब लंबा अरसा हो जाता है, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप खेलते हैं तो एक लंबा अरसा हो जाता है फिर आप ये लीग खेल रहे हैं, तो एक फिटनेस बहुत बड़ा सवाल होता है. आप जिम जाते हैं बाकी चीज़ें करते हैं लेकिन ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है? तो बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. देखिए जब आप रेगुलरली मैच नहीं खेलते, आप कितना भी जिम में ट्रेनिंग कर लीजिए, कितना भी रनिंग कर लीजिए, लेकिन जो मैच फिटनेस होता है वो बहुत महत्व रखता है. जैसे ड्यू फैक्टर है, पहले क्या आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको पता है कि ड्यू फैक्टर में कैसे, आपके फिंगर्स को पता है, मेंटली आप जानते हैं कि आपको ड्यू फैक्टर में बॉल को कैसे क्या करना है, लेकिन बॉडी सुनती नहीं है. कभी कभी फास्ट बॉलरों के साथ भी वो सोचते हैं कि मैं तेज डाल रहा हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है. तो ये जो मैच फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप कितनी जल्दी अपने सिस्टम में लाते हो वो मैटर करता है. तो मुझे लगता है शायद जैसे जैसे हम आगे खेलते हुए चले जाएंगे आप देखेंगे कि इंटेंसिटी और बढ़ेगी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखेंगे आपको बैट्समैन और बॉलरों से. बिल्कुल, वैसे जैसे हमारे गेंदबाजों ने ये मैच जिताया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम एक स्टेज पे सोच रहे थे कि 170-180 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप विकेट खोते हैं तो फिर आपका जो प्लानिंग होता है वो चेंज होता है. इसीलिए कहा जाता है कि प्लान ए प्लान बी प्लान सी. लेकिन जिस तरीके से नागर ने बल्लेबाजी की, उनका जो 40 रन जो योगदान था वो बहुत ही अच्छा था. शायद उसी की वजह से हमने ये एक मतलब रिस्पेक्टफुल टोटल स्कोर किया और शायद उसी लिए वो डिफरेंस क्रिएट हुआ. अगर वो पारी वो खेलते नहीं तो शायद कहीं ना कहीं हम 120-130 में अटक जाते और वो इतना प्रेशर वाला मैच होता नहीं. The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.